आई हेयर कटिंग सीजर आई इसका नाम ये है ही नहीं बताओ मैं मेरी औरत इतनी ब्यूटीफुल ओ मेरी हो क्या राइट किसके पास देखे लेकिन फेस रोल हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं हूँ आरती सो कैसे हो आप सब। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं पूरे दिन घर पे थी पूरा टाइम लाइक मैं घर पे ही थी और क्योंकि गाइज मेरे को बहुत वीकनेस हो रही है और मुझे लिटरली मैं खड़े हो रही तो मुझे ब्लैकआउट हो रहा है अभी थोड़े मतलब पूरा दिन ऐसे खा पीने के बाद अभी थोड़ी मैं स्टेबल हुई हूँ तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास गाइस क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है और मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि कल के दिन मैं उठ ही नहीं पाऊँ मतलब बेड से उठ नहीं पाऊँ ऐसा बोल रही हूँ। तो इसके लिए मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास जाती हूँ वहाँ पे जाके दवाई लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ क्या आप देखें। सो गाइज अभी मैं आ गई हूँ निदा के यहाँ पे क्योंकि लोग टाउन आ गए थे तो यहाँ पे है चंगू मंगू और यहाँ पे अंकल अरसू आंटी सब लोग यहाँ पे बैठे हैं याजवान भैया भी है। तो गाइज आज हम लोग एक बहुत ही एक्साइटिंग चैलेंज बोल सकते हो आप चैलेंज है बहुत ही एक्साइटिंग जिसमें मैं लड़कों को पूछने वाली हूँ मतलब लड़के इन द सेंस अंकल मतलब आदमियों को इसके लिए मैं धमकी बोला था आदमियों और लड़कों को। तो आदमियों में अंकल एंड सुफियान भाई और लड़के में अरसू एंड जोहान अली को नहीं पूछ सकती गाइज क्योंकि वो जोहान को भी नहीं पूछ सकती ऐसे। तो मैं इन लोग को बताऊंगी गर्ल्स के वियर्ड वियर्ड प्रोडक्ट्स जो बहुत कम लोगों को पता है और लड़कियों से भी आंटी और निदा से भी पूछूंगी लोग बता देंगे लेकिन सबका आंसर होने के बाद। तो गाइज यहाँ पे मैंने अरसू के फ़ोन में प्रोडक्ट्स के स्क्रीनशॉट मार ली तो हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रोडक्ट मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी आप देख लो लेकिन दिखा भी देती हूँ देखो ये है ठीक है चलो अंकल बताओ क्या है। लो पहला प्रोडक्ट बहुत ईजी है। हाँ ईजी क्या है ओपनर ना आपके पलके काटते ना वो काटते आपके पलके काटते उस नाम चाहिए मुझे प्रोडक्ट का नाम उस नाम नहीं मालूम। तो यही तो मेन गेम है यही तो मेन गेम है। हाँ हाँ मुझे भी समझ आ रही बोलो दोनों साथ में बोलो हाई हेयर कटिंग सीजर आए इसका नाम ये है ही नहीं। देखो दोनों साथ में बोलो ना समाज है सामान तेरे को समान मेरे आने का टेंशन नहीं है बेटा इधर से घुटने तक भी बांध के ले बोले जल्दी बोले जल्दी गाइस बांध देगी तो मेरे को फिगर नहीं मेरी औरत इतनी ब्यूटीफुल ओ मेरी हो क्या अरे मतलब तू काट दे शायद नहीं नाम चाहिए मुझे आईलैश प्लकर वाओ प्लकर उखाड़ते हैं क्या उसे बस बस मैलेश लिफ्टर ए चल रॉन्ग 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 बोला लैश लिफ्टर सही तो बोला ना आईलैश ये कलर क्या कर रहा है अरे एशियन पेंट से क्या हो अरे कॉल 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 उसका नाम वो है नहीं आज आज बताओ क्या नाम है अरे क्या गुंडा बनोगे रे तुम लोग क्या बोल रहे हो बताओ नेक्स्ट क्या है ये कैसे देख रहे हो ना ओके गाइस अभी से उसके कंधों पे बोझ मत डालो। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये ठीक है हेलो अंकल क्या है ये सब अंकल से पास कर रही है हाँ तो ऐसे शुरू होगा ऐसा शुरू करो ना ठीक है नहीं अगर अंकल ने नाम दे दिया तो मैं भी वही नाम बोल दूंगा तो फिर मालूम कैसे हाँ इसके लिए पुले क्योंकि अंकल को ज्यादा ऐसे ये तो ऐसा लग रहा है झाड़ों के बीच पत्थर रखते हैं रॉन्ग 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 हमारे काम का है जरूर वो लग रहा है ये वजन है काठा है काठा जल्दी बोलो अरे ये वो है क्या वो क्या नाम बताना है स्क्रब स्पॉन्ज स्पॉन्ज पागल हो क्या कुछ भी बोलते हो अरे वो लड़की लोग लगाती ना पाउडर लगाती है बच्चे लोगों को पलटी कैसा कैसा
कैसा अंकल? निकालने के लिए डेड स्किन रिमूवर। सही में क्या गैस करा मेरा बच्चा करने बोलती होगी ना, बोले करो नहीं बाजू में पड़ा समझ रहा बेटा तेरे पे कितना जुलूम हो रहा है, मैं खुद मेरे पैर पे करता हूँ। चलो गाइस तो ये ठीक है, मैं अटैच कर दूंगी ये बाजू में, आपको दिख जाए अंकल बताओ क्या। अरे ये तो रोलर है, मैं कलर मांग रही हूँ। नहीं नहीं वहाँ स्टोन है, सिर्फ यही है। हाँ प्रोडक्ट तो मेन वो है, यूज होता है बट उसका नाम क्या है गाइज? सबको दिखा रहा है लेकिन बता नहीं रहा है। अरसू इतना जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मैं देख पास किया पर अरे ये तो वो है अपना, अरे वो स्किन केयर में देखो ना वो ऐसा करते हैं स्किन टाइट करने के लिए। मैं तुम लोगों को एक हिंट दे देती हूँ, अंकल ने नाम सही बोले लेकिन रोलर है। हाँ लेकिन फेस रोलर, फेस रोलर ऑब्वियसली कॉमन सेंस, वेरी गुड। बिल्कुल नहीं है, राइट राइट। किसके पास देखे लेकिन फेस रोलर? देख रहे हो ना आंटी, ध्यान दो, आप दुबई गए थे ना आंटी? 7 दिन दुबई, अंकल ने 7 दिन में सब सीख लिया, 1 वीक क्रैश कोर्स। अरे वो कलर मारते फुल इसको रोलर चलाते हो? नाइस ये बोल दिया, मुंह पे लगा दो जो रोलर। नाइस 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 नाइस, ठीक है ठीक है। हम लोग की भी कड़ी होती है। नेक्स्ट है ये, अबे तो दांत दिख रहे हैं। बुढ़ापे में लगा लेंगे, निकाल आएगी। जल्दी जल्दी। मेरे को इसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन ये ना इधर पीछे पहनते हैं, पीछे पहनने के बाद है ना वो फाइल करते हैं। नाम बताना है, नाम नेल फाइल नहीं बोलते। ऐसा ऐसा नहीं कर सकते ना, तो ये बीच में ना ऐसा स्पेस रहे। ये फिंगर स्टैंड है? नहीं नहीं, उसका नाम वो नहीं है। ऐसा स्पेस है। हर बार तो अंकल जैसा दिमाग नहीं चला सकेगा। सॉरी। ऐसा स्पेस है था, लेकिन जो मैं बोलो सही है। हाँ लेकिन उसका नाम वो नहीं, वो बहुत ऑब्वियस है कि वो उसके लिए नहीं बाथरूम में फूल लगाते हैं, ब्रश वो लटका दे, नहीं रॉन्ग रॉन्ग। दो चीज से मैच हो रही है, एक वो दरवाजे के पीछे लगा वाला कपड़े का एंगल हुक, या फिर ये ना जो नकली बुढ़ापे का वो दांत है लुक के। नहीं रॉन्ग। पिंक कलर के दांत किसके होते हैं? अरे लड़की लोग का बकरा है बाजी, भरोसा किया? नहीं कलर का बकरा चाहिए, ये भी चाहिए। नहीं रॉन्ग बोल रहे हो गाइस, इसको मैं बता देती हूँ, ये है टो सेपरेटर, इसका नाम तो उसने वही तो बोला फिंगर सेपरेटर से एक तो हाथ का नहीं पैर का, और उसका नाम ये है, मैंने नाम पूछा। अच्छा एक मिनट, ये क्या काम करता है टो सेपरेटर? नेल पेंट जब लगाते हैं ना तो चिपकना नहीं चाहिए एक दूसरे को, वो इसके लिए। मतलब उंगली चिपक जाती है? उंगली नहीं, नेल पेंट एक दूसरे को लग जाता है ना। ये इजी है, तुम लोग को बता देना चाहिए गाइस, ये तो बहुत ऑब्वियस है ठीक है। लेकिन रोलर पता है आंटी, रोलर याद रखना आप। देख ले तू, अगर नहीं हुई तो बोल दे रहा तू मेरे को हाथ की अंगूठी। रॉन्ग, तेरे को ज्यादा मालूम है बेटा ये सब चीजें। दो डबल फिंगर रिंग है। कुछ भी यार, कुछ। अब अंकल जान कुछ क्या बोले? कान के पीछे लगाना, लाइक अंगूठी दिख रही है, समझ में आ रहा है। कुछ भी बोलते हो यार, स्क्रू टाइट करते हुए लेकिन ये फिंगरिंग जैसा दिख रहा हो। कुछ भी कुछ भी। ओके नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये भी तुम्हें बता दोगे मेरे को लगता है, इजी पॉइंट। नाम तो ऊपर
नहीं नाम नहीं लिखा है, बहुत खेला बचपन वो नाम नहीं है उसका। बचपन में बहुत खेला इसमें खुड़बुड़ कर गया बीच में ये बता सकते हो सारे फाइलर है ये फाइलर है फाइलर है रॉन्ग तुम खेले बचपन में ये नेल्स में यूज होता है हाँ वो अभी अरसु हो तो ऑब्वियस है अभी मैं तुमको कुछ दिखाऊं अभी दिखाई नहीं तो मुंह और हाथ तो काटने के लिए हां सा वही वही इसे इस बार मेरा वो साफ की थी करेक्ट योर गाइस आर राइट नाम बोलो धार रहता उसमें सुई धागा बोल इसको शेप शेप करते इससे नाखून नहीं साइड वाइज काटते या कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी बाल वाल भी काट सकते इससे हां लेकिन बोलते क्या उसको नाम अबे नाम नहीं मालूम इट इज क्यूटिकल पुशर और इतना मालूम है कि ये देखने के बाद हम लोग क्रिटिकल गाइस अभी सिर्फ दो प्रोडक्ट्स बचे और बहुत डिफिकल्ट है मेरे को ऐसा लगता है मेरे को खुद नहीं पता था तुम एक मिनट क्यूटिकल पुशर से बचपन में क्या खेलते थे ऐसे अभी ना आता था एक चीज आती थी मैं खेला उससे क्या वो बीच में जो है ना बीच में फंस गए बचपन से लड़कियां मेकअप करती थी जाके देखते थे बचपन में थोड़ी जाते थे हाँ बचपन में भी गया मैं बहुत शूटिंग किया ओके नेक्स्ट है ये तो तुम्हारा गेस कर ही नहीं पाओगे अभी बचपन में खेला हूँ अरे ये क्या है कहीं दिलाया जिंदगी में दिलाया तुमको दिलाया कभी जो दूसरी को दिलाया बेटा देख अपन दोनों थोड़ा दिमाग सिंगल हूँ मेरी कैसे मालूम पड़ेगा लाइफ टाइम सिंगल नहीं थे तुम अरे उंगली में हर चीज उंगली में उतारे तो वो खड्डा दिख रहा तो उंगलियों पे घुस रहा नीता बराबर एग्जाम दे इसकी नहीं नहीं ऐसा नीता ये सब नहीं यूज करती है नहीं है तेरे पास बेटा ये सब लेकिन ये तुम लोग को इतना समझ में नहीं आ रहा कि वो किस चीज के लिए यूज होता है ऐसा अजीब सा प्रोडक्ट दिख रहा है ए मेरे को समझ में आ गया वो एक ही यूज होता वो करेगा छीनने के लिए हिंट दे रही थी मैं वही कि किचन में यूज तो मैं क्या बोला कुछ लड़की लोग ही यूज करते हैं मोस्टली स्क्रैपर स्क्रैपर तू चेहरे से सीधा किचन में चले जाते वही वही क्या हो गया प्रोडक्ट स्लाइसर स्लाइसर Yes, correct. मेरा जवाब सही था कि आलू काटने वाली आइटम नहीं ये छोटे-छोटे ये अवोकाडो कटर है जैसे कि अपना वो स्ट्रॉबेरी हो गया अवोकाडो अवोकाडो अरे वो फ्रूट है फ्रूट है इतना बड़ा बड़ा फ्रूट अवोकाडो अरे अवोकाडो अबे मैं आज तक नहीं खाई हूँ सुफियान भाई खाते अरे अवोकाडो का जूस पीते हैं अंकल क्या बोल रहे हैं अवोकाडो कटर ओके लास्ट प्रोडक्ट गाइस लास्ट प्रोडक्ट है ये बता सकते हो बहुत इजी है अबे जीतने पे मिले क्या ये तो बता तुम लोग ने कौन सा एक अभी आंसर राइट बोल दिया जो जीतने का एक ही बोल दो ही बोल मशीन वो शेविंग टाइप की कुछ मशीन है लास्ट में बताऊंगी मैं ये इतना मालूम है ये आईब्रो काटने की मशीन है मेरे ख्याल से नाम आईब्रो कटर नहीं आईब्रो कटर नहीं ये लैशेस लैशेज क्या होती है ये हो गया फिर तुम्हारा मूछें हो गई उसको बोलते क्या है तुम क्लोज हो वेरी क्लोज ट्रिमर ट्रिमर ब्लेड मैं बताऊं हां बोलो फेशियल हेयर यस करेक्ट यूज करके मैं तुमको एक बात बोला तो क्या नहीं नहीं तो मालूम होगा ना वाइफ है तो मालूम रहेगा ना लेकिन गाइस एक चीज बता उसकी वाइफ तो यूज करती तो उसको बता दे तुमको कैसा पता यही मैं भी बोल रही औरत के बारे में भी मुझे सब पता है अच्छा बोला आंटी का फेवरेट कलर क्या है आंटी का फेवरेट कलर क्या है वो तो कुछ भी पहने बेटा नहीं नहीं ये नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा फेवरेट कलर कौन सा है ये बताओ आंटी ब्लैक आपका फेवरेट कलर ओ क्या फेवरेट कलर ब्लैक सबका है उसका एक एक्स्ट्रा बताओ आंटी 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 पे हां पहनने में क्या पसंद है कलर मैं नहीं बताऊंगा क्यों ये राज उसी के साथ चलेगा ये राज उसी के साथ जो है ना वो क्या बोलते हैं खूबसूरती पे नजर लग जाएगी फेवरेट चीज वो लोगों को मुझे नहीं बताना सॉरी फॉर योर काइंड नेक्स्ट
देखे आप इतना छुपा रहे थे आंटी ने बता गाइस अंकल आज अलग ही इसके अंदर है फील्ड में। तो गाइस आप लोग ने देख लिए मोस्टली बहुत सारे आंसर इन लोग को पता थे बट इन लोग ने उसका नाम नहीं बता पाए। गाइस ये वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं, बहुत मजा आई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।